जन शक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह जमुई सांसद चिराग पासवान जी ने दरभंगा कुशेश्वर स्थान विधानसभा उपचुनाव में अकबरपुर बैंक प्रति बिरोल में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए अपने पार्टी के उम्मीदवार श्रीमती अंजू देवी के समर्थन में वोट मांगा। अपने संबोधन में चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को आड़े हाथे लेते हुए कहा कि कुशेश्वर स्थान में मूलभूत सुविधाओं का घोर अभाव है। जर्जर सड़क, पलायन और पंगु शिक्षा व्यवस्था ने इस विधानसभा के नागरिकों का बुरा हाल कर रखा है। आगे उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार अपने आप को विकास पुरुष कहते हैं, लेकिन प्रदेश में क्राइम, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। 16 वर्षों से बिहार की जनता को सिर्फ बेवकूफ बनाया गया है। जब भी जनता नौकरी, शिक्षा, स्वास्थ्य की मांग करती है, तब उनको 15 साल की कहानी सुनाई जाती है। विद्यालय के है, बिना अस्पतालों के है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी नहीं, तो कौन जिम्मेदार है बताइए? इनके विधायक 11 साल से इन्हीं के ना विधायक थे यहाँ पे, क्या कर लिए 11 साल में? क्या किया 11 साल में बताइए? कुछ किए? हाथ से बताइए, किए कि नहीं किए? नहीं किए। तो आज उन्हीं के ना परिवार का लोग आ रहा फिर से विधायक बनने। इन लोगों को विधायक बनने का सच शौक है, पर ईमानदारी से किसी को बिहार के विकास की कोई चिंता नहीं है। चिंता होती तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 16 सालों में हमारे बच्चों के पढ़ने के लिए विद्यालय बनाया होता, हमारे बुजुर्गों को, माताओं बहनों को दिल्ली नहीं जाना पड़ता। इस आयुष के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक ओमी तंजीम न्यूज़पेपर दरभंगा।